तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अवनाश राठौर, जो आपके स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों, अगर आप आधार कार्ड के मदद से पेटीएम अकाउंट चलाना सीखना चाहते हैं तो किस तरह से दोस्तों सिर्फ आधार कार्ड के मदद से पेटीएम अकाउंट चला सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप आधार कार्ड के मदद से यूपीआई पिन सेट करना चाहते हैं विदाउट एटीएम कार्ड और विदाउट डेबिट कार्ड, तो कैसे करना है, सारा कुछ आपको कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जिसके बाद से दोस्तों, आप सभी यहाँ पर विदाउट एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड आप अपना पेटीएम में यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो कि दोस्तों, अगर आपने तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को सब पर लाइक कर दो, और लाइक करने के बाद दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसी कमाल की वीडियो मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो वीडियो देख रहे हो उस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले देख सकते हो आपको पेटीएम एप्लीकेशन का अपडेटेड वर्जन का लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करके दोस्तों आपको पेटीएम एप्लीकेशन को सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इतना इंटरफेस आएगा। आपको सिंपली से दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले पेटीएम एप्लीकेशन को जाकर आपको डाउनलोड कर लेना है लिंक के थ्रू। जैसे आप दोस्तों पेटीएम एप्लीकेशन को यहाँ पर लिंक के थ्रू डाउनलोड करोगे, तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट यूपीआई ट्रांजेक्शन पर आपको 100 रुपीज का कैशबैक आपको अपने अकाउंट में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर पेटीएम एप्लीकेशन अपडेटेड वर्जन को यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो बहुत सारे फ्रेंड्स में यहाँ पर क्या हुआ कि उनका जो पेटीएम वर्जन है वो ओल्ड वर्जन है, जिसके वजह से उनमें आधार यूपीआई के यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन उनको यहाँ पर सबसे पहले आपको लिंक के थ्रू जैसे आप डाउनलोड करोगे, तो यहाँ पर जो आपका पेटीएम में जो आधार यूपीआई का प्रोसेस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको पेटीएम एप्लीकेशन को फटाफट से इसे अपडेटेड वर्जन में डाउनलोड कर लेना है, तभी दोस्तों आप आधार कार्ड की मदद से यहाँ पर पेटीएम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली से करना क्या है, सिंपली से आपको दोस्तों ओपन पर क्लिक करना है। ओपन पर जैसे क्लिक करो दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, लॉगिन और क्रिएट ए न्यू अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने पहले से अकाउंट क्रिएट किया हुआ तो आपको यहां पर लॉगिन करना, अगर आप न्यू अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपली से आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू आसानी से यहां पर अकाउंट को क्रिएट कर लेना। तो आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक हो, आपको उसी मोबाइल नंबर को यहां पर टाइप करना। तो चलिए मैं फटाफट से यहां पर उस नंबर को रजिस्टर यहां पर कर लेता हूं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको सिंपली से नीचे इस तरह से इन्फॉर्मेशन आएगा, तो आपको दोस्तों सिंपली से देख सकते हैं यहाँ पर आपको कंटिन्यू को परमिशन आपको दे देना। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है। दोस्तों, जैसे आप अलाउ कीजिएगा तो फिर से आपको परमिशन देना है, फिर से आपको यहाँ पर परमिशन दे देना है। दोस्तों, उसके बाद ऑटोमेटिक से आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, और आपका दोस्तों कुछ इस तरह से आपके नंबर पर वेरिफिकेशन ओटीपी जाएगा। जैसे ही ओटीपी जाएगा, आपका अकाउंट यहाँ पर फाइनली यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा दोस्तों, और आप अपने पेटीएम अकाउंट में लॉग इन हो जाओगे। दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह से पेटीएम अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप पेटीएम अकाउंट में आप यहां पर लॉगिन हो जाते हैं और आपका नॉर्मली यहां पर अकाउंट नंबर के माध्यम से क्रिएट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर क्या करना है कि आधार बैंक आपको यहां पर लिंक करना होगा। जिस बैंक से आपका आधार कार्ड लिंक है उस बैंक अकाउंट को सबसे पहले आपको पेटीएम अकाउंट के अंदर आपको लिंक करना होगा। उसे लिंक करने के लिए दोस्तों आपको सिंपली से प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहां पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग, सिंपली से आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करो दोस्तों, तो यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले अगर आप यहां पर बैंक अकाउंट को लिंक करना चाहते हो तो उसके लिए दोस्तों नीचे में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड बैंक अकाउंट, सिंपली से आपको ऐड अनदर बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों, तो यहां पर आपके सामने जो आपका बैंक अकाउंट है वो आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों, तो यहां पर आपको कुछ ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट यहां पर शो नहीं हो रहा है तो सिंपली से आपको यहां पर उस नेम को यहां पर सर्च करना है। जैसे आप यहां पर दोस्तों सर्च करोगे तो आपका जो भी बैंक होगा वो आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों, मेरे यहां पर पीएनबी में अकाउंट है, तो मैं सिंपली से यहां पर पीएनबी पर क्लिक करके पीएनबी को आधार लिंक कर लेता हूं सबसे पहले। तो जैसे ही मैं पीएनबी पे क्लिक करता हूं, तो दोस्तों यहां पर जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहां पर वेरीफाई होगा और आपका जो बैंक अकाउंट है यहां पर लिंक हो जाएगा। दोस्तों, तो दोस्तों देख सकते हैं यहां पर जो पंजाब नेशनल बैंक है यहां पर लिंक हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहां पर जैसे ही यहां पर आपका पंजाब नेशनल बैंक लिंक होगा, तो आपको स्टार्टिंग में दोस्तों यहां पर दोस्तों आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, रिमूव अकाउंट, चेंज पिन और चेक बैलेंस। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको सेट पिन का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि मेरा पहले से लिंक था दोस्तों, इसलिए मुझे चेंज पिन का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। जब फर्स्ट टाइम आप रजिस्टर करोगे तो यहाँ पर आपको सेट पिन का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली से आपको इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपको लिखा आ रहा है चेंज यूपीआई पिन फॉर पंजाब नेशनल बैंक। तो जिस भी बैंक अकाउंट को आप यूपीआई पिन को यहां पर आप सेट करना चाहते हैं, तो अगर आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको यहां पर सेट पिन का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, यूज डेबिट कार्ड के मदद से और यहां पर आधार कार्ड की मदद से। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आधार कार्ड में से यूपीआई पिन सेट कैसे करते हैं विदाउट डेबिट कार्ड। तो उसके लिए आपको दोस्तों यूज आधार कार्ड पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों, तो सिंपली से आप नीचे एक ऑप्शन देख सकते हो आ रहा, सिंपली से आपको इस पर टिक कर देना। जैसे आप टिक करोगे तो
सिंपली से दोस्तों आपको आधार कार्ड के मदद से यूपीआई पिन सेट करना है, तो आपको इस पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको कह रहा है इंटर फर्स्ट सिक्स डिजिट ऑफ योर आधार नंबर। तो दोस्तों आपको आधार नंबर का आपको फर्स्ट सिक्स डिजिट आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए मैं फटाफट से आधार कार्ड का फर्स्ट सिक्स डिजिट नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे दोस्तों आप आधार कार्ड का फर्स्ट सिक्स डिजिट यहाँ पे आधार नंबर का डाल दोगे, उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली से प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर वैलिडेटिंग यहाँ पर जनरेट ओटीपी पे आएगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो आधार कार्ड पे जो ओटीपी है वो आधार नंबर जिससे आपको लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा। तो उस नंबर पे जैसे ही यहाँ पर आपका ओटीपी आएगा आप सिंपली से आपको इस नंबर को कॉपी करना और आपको इस ओटीपी को यहाँ पे डाल देना। चलो उसके बाद दोस्तों जैसे ही यहाँ पर ओटीपी को डाल दोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखते तो इंटर सिक्स डिजिट बैंक ओटीपी। अब आपका यहाँ पर बैंक की तरफ से सिक्स डिजिट का एक ओटीपी आएगा जो कि आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक से वेरीफाई हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फाइनली देख सकते हो ओटीपी यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली से टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा सेट सिक्स डिजिट यूपीआई पिन। अब आपको यहाँ पर दोस्तों सिक्स डिजिट यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। तो कुछ कुछ फ्रेंड्स में यहाँ पर फोर डिजिट का यूपीआई पिन सेट करने का आएगा, कुछ कुछ में सिक्स डिजिट का। सबका अपना बैंक का अलग अलग यूपीआई पिन सेटअप है तो आपको उसी पर काम करना है दोस्तों। तो यहाँ पर सिक्स डिजिट का आ रहा था, चलिए मैं यहाँ पर सिक्स डिजिट का यूपीआई पिन यहाँ पर बना लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों जैसे ही यहाँ पर यूपीआई पिन यहाँ पर आप डाल दीजिएगा उसके बाद फिर से आपको टिक पर क्लिक कर देना। उसके बाद कंफर्म यूपीआई पिन को आपको फिर से डालना है, जो यूपीआई पिन आपने पहले यहाँ पर डाला उसी सेम डिजिट को आपको फिर से यहाँ पर डालना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली से टिक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दो आपका यूपीआई पिन है और फाइनली यहाँ पर सेटअप हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों बहुत ही आसान तरीका से आप आधार कार्ड की मदद से किसी भी बैंक में आसानी से यहाँ पर यूपीआई पिन को सेट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप भी यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो बहुत ही आसान तरीका से दोस्तों आप आधार कार्ड की मदद से पेटीएम में बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हो, साथ ही यहाँ पर उसमें यूपीआई पिन भी सेट कर सकते हो विदाउट एटीएम कार्ड और विदाउट डेबिट कार्ड। तो होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कमाल की वीडियो मिलती रहे। तो फ्रेंड चलिए बाय बाय, टेक केयर।